सेबी ने देश के शेयर होल्डर्स को उनके फिजिकल शेयर्स को 5 दिसंबर 2018 तक डीमटेरियलाइज कराने का समय दिया है, पर देश में लिस्टेड कंपनियों से ज़्यादा अनलिस्टेड कंपनियां मौजूद हैं। सेबी के इस कदम से शेयर बाजार में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। शेयर बाजार की रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने सभी पेपर फॉर्म के शेयर्स को डीमटेरियलाइज करने की बात कही है, यानी अगर आपके पास पेपर फॉर्म में शेयर्स हैं तो आपको उन्हें जल्द से जल्द डीमटेरियलाइज करा लेना चाहिए। सेबी ने LODR यानी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में संशोधन किया है। ये नया रूल सिक्योरिटीज के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन के मामले में लागू नहीं होगा। लेकिन सेबी के इस कदम के बाद सवाल ये है कि अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर का क्या होगा। करीब 90% पब्लिक लिमिटेड कंपनियां अभी भी लिस्टेड नहीं है। MCA के मुताबिक देश में 30 जून 2018 तक 71,506 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थीं, जिसमें से सिर्फ 7,213 कंपनियां लिस्टेड हैं और बाकी बची 64,293 कंपनियां अनलिस्टेड की सूची में हैं, यानी करीब 10% पब्लिक लिमिटेड कंपनियां ही लिस्टेड हैं। वहीं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार कुल 4,648 कंपनियों में से सिर्फ 4,121 कंपनियां ही BSE में इक्विटी ट्रेड के लिए उपलब्ध हैं और इस समय ट्रेड कर रही हैं। बाकी बची 576 कंपनियां सस्पेंडेड हैं। उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।